जब कुछ भी ना कर रहे हो तो हम उनको गुनगुना रहे होते हैं, तो आज किसी की मेरी एक छोटा सा प्रोग्राम होगा। अपनी जगह एक भी है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम में रंगला वेला में करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आह्वान करना जरूरी है, ऐसा गणेश जी को वरदान है। तो ये गणेश वंदना गल ना त्याग करना आए शनि के हाले। ये डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर है और इनके साथ जो वर्दी है उसके लिए मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ उतनी पर कम है। हर क्षेत्र में, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नीति हो, क्योंकि भाटिया साहब हमें गुस्से से भी और प्यार से भी फोन पे समझाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने इस छोटे मित्र को, छोटे भाई को मौका दिया है उनका प्रोग्राम आगे करने के लिए। देते हैं हसीनों को सलामी, किशोर कुमार जी का बर्थडे मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवाज़ का जादू पूरे देश बॉलीवुड की पूरे विश्व मनिया गया। सो ऐसा गायक जिन्होंने हर वक्त अपनी गायकी से लोगों को खुशी दिती, गम के टाइम से भी जिन्हें उन्होंने गायकी सुनी उन्होंने अपने गम को भुला दिता। सो ऐसे गायक जिन्हों की मधुरवाणी के जादू सी, सो अज उन्होंने इस जन्मदिन दिहाड़े से असी इकट्ठे होकर मेरे नाल मेरे भाई साहब छोटे अमृत शर्मा जी HDO साहब इस इलाके के, वो भी इस प्रोग्राम नहीं आए हैं, उन्होंने भी इतने इनवाइट किया गया सी। सो मैं अज के इस मौके से यही कहूँगा कि संगीत एक कला है, वध तो वध रुचि रखनी चाहिए है क्योंकि संगीत के नाल ही साड़ी अद्धियां तो ज़्यादा बीमारियां वो शरीर दियाँ दूर होंदियां, कि जो असी शरीर संगीत वाल रुचि रखने। सो साड़ी जो कोई टेंशन दिमागी भज दौड़ दे विच असी सुकून लेना चाहते हैं तो वह सब तो जरूरी यही है कि असी संगीत वाल ख्याल करिए, संगीत सुनीए, संगीत सुनाइए। जय जय भारत। नरेश जी, जिस तरह की मेरे वड्डे भाजी भाटिया साहब ने इस प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह तुसीं पता कि भाटिया साहब साडे हर समाजिक काम च राजनीति के कामों में समाज की सेवा में अगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे है। तो भाटिया साहब का मैंने कल एक फोन आया, बड़े शोर्ट नोटिस से इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया कि किशोर कुमार जी जो तुम्हें पता है कि हिंदुस्तान के एक बड़े वड्डे सिंगर होए है, तो अज भी
जिहड़े साडे बच्चे भी इनफैक्ट मेरे कई बार मेरे बेटा भी किशोर दा दे गाने सुनता वै तो असं भी किसी वेले टेंशन च होंने मैं लगता तुम भी कभी कि ना कि किशोर दा दे गाने जरूर सुनते हो गए अड्डे व्डे सिंगर दे वास्ते भाटिया सिंह ने जो सानू फोन किया तो असं इमीजिएटली इस प्रोग्राम ऑर्गनाइज शोर्ट नोटिस से किया तो जिस तरह भाटिया साहब ने कहा कि संगीत एक कला है तो संगीत कला होने के नाते मैं लगता है कि बड़ी वड्डी बीमारियों का इलाज भी करती है जी तो संगीत सानू सारे सुनना चाहिए है जिस तरह कि किशोर दा मोहम्मद रफ़ी जी लता मंगेशकर जी ये साडे सुपरस्टार जो हिंदुस्तान के होए है इन्हों के असी गाने सुन के वड्डे होए हैं और अज भी अगर किसी असी लगता कि सानू असी किसी गम चा या किसी टेंशन चाँ तो अज भी मैं किशोर दा दे गाने राती ब्लूटूथ नाल सुन के सुनना जी तो अगे भी बच्चों कह कि अजकल जिहड़े गाने आ रहे हैं जिहदा कोई मूँह सिर नहीं कोई पैर नहीं तो वलगर गाने हैं उन्होंने असी छड़ के अपने पुराने गायक जिहड़े सारे हिंदुस्तान के मशहूर गायक जिन्हां विच किशोर दा जी नंबर वन ते लता मंगेशकर जी मोहम्मद रफ़ी जी उन्होंने गीत संगीत को अगे वधान ते हिंदुस्तान की शान वधान। धन्यवाद जी।